हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीता बिश्नोई। आज हम लोग देखेंगे कि मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा कितना एग्रेसिव हो सकता है, कितना मॉन्स्ट्रस बन जाता है, कितनी बड़ी लीफ हो जाती है, कैसा फ्रूट होता है, कैसे फ्लावर्स होते हैं, और सबसे सरप्राइजिंग बात मैं बताऊंगी कि कैसे इसकी रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स कैसे निकलती हैं रोप जैसी थिक और ज़मीन पर जाती हैं और मैसिव न्यूट्रिशन लेके आती है अपने प्लांट का, और प्लांट की लीफ इतनी बड़ी, और हालांकि ये बड़ी जगह में लगाएं तभी इतना बड़ा हो पाता है। इसके फ़ायदे, तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ये बहुत सारा बाकी जो नीचे प्लांट्स लगे हुए हैं उनको बहुत सारा शेड प्रोवाइड करता है और देखने में इतना खूबसूरत लगता है। इसके फ्रूट्स जो होते हैं वो एडिबल भी होते हैं, और कहते हैं कि उसका टेस्ट एप्पल और पाइनएप्पल मिक्स करके जैसा आता है वैसा टेस्ट आता है। तो चलिए पूरा वीडियो देखते हैं कि इसकी मैसिव लीफ के पीछे कैसे इसकी रूट्स छिपी हुई हैं, कितने बड़े गमले में लगा हुआ है कि ज़मीन पे लगा हुआ है, ये मैं भी नहीं डिसाइड कर पा रही। चलिए देखते हैं क्यों नहीं डिसाइड कर पा रही हूँ। ये देखिए ये कहाँ से लगा हुआ है, ये लगा हुआ है एक गमले में। तो ये आपको लगेगा कि गमले में कैसे इतना बड़ा प्लांट हो गया है, मगर इसमें बहुत सारी रूट्स हैं। देखिए एडवेंटिशियस रूट्स जिसको कहते हैं वो सारियाँ निकली हुई हैं और वो मिट्टी के अंदर जा रही हैं, सारी मिट्टी के अंदर गई हुई हैं और पूरा न्यूट्रिशन उससे लेती हैं। और ये दिखाने के लिए ही रह गया है, इसके नीचे से भी रूट सारी ज़मीन के अंदर चली गई हैं। तो ये एडवेंटिशियस रूट्स का कमाल है। और भी दिखाती हूँ मैं आपको एडवेंटिशियस रूट्स, क्योंकि आज हम लोग ने ये कुछ पौधे हटाए हुए हैं यहाँ से। ये देखिए इस नोड से ये एडवेंटिशियस रूट्स निकली हुई हैं, ये इतनी स्ट्रॉन्ग है और ये नीचे गई हुई है। ये देखिए एक ये मोटी सी रूट है, ये पूरी रूट जा रही है नीचे, ये रूट है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए इतनी सारी रूट्स हैं, तो इससे ही अपना न्यूट्रिशन लेता है और ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। लीव्स फिर से दिखाती हूँ एक एक, इसकी कितनी बड़ी लीफ है आपको अंदाज़ा होगा जब मैं इसमें अपना हाथ रखूँगी। ये देखिए ये नई लीफ निकली है और इसमें मैं अपना हाथ रखती हूँ, ये देखिए ये पूरा इतना बड़ा प्लांट है। लीव्स इसकी मैसिव साइज की हैं, ये जो नई लीफ निकल रही है इसको देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, ऐसे मुड़ के निकलती है और धीरे धीरे इसमें परफोरेशंस होते हैं। जब ये प्लांट छोटा होता है तब इसमें कई बार इनकी लीव्स में इतना परफोरेशन आपको नहीं मिलेगा, जैसे इसमें देखिए एक भी परफोरेशन नहीं है, मगर मैच्योर लीफ जैसे मैच्योर होता है प्लांट, इसमें ऐसे परफोरेशंस होने लग जाते हैं। ये मॉन्स्टेरा की एक वैरायटी है, इसको कहते हैं मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा, और इसमें बड़े सारे लीव्स निकलती चली जा रही हैं और ये बहुत एग्रेसिवली ग्रो करता है। इसको अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ये इतना बड़ा प्लांट हो जाता है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ये छोटे कंटेनर में अगर लगाते हैं और इसको का सहारा नहीं देते तो ये कंटेनर में छोटा ही रहता है, और अगर आप इसको ज़मीन पे लगा देते हैं इसको बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता है तब जाके इसकी लीव्स इतनी बड़ी बड़ी होती हैं। इसके लिए अगर लेते हैं गमला तो बड़े साइज़ का ही ले, छोटे साइज़ के गमले में इसकी लीव्स इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएंगी, मगर ये प्लांट बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन पर ज़रूर लगा के ट्राई करिए। इतनी बड़ी बड़ी लीव्स ये गर्मियों में बहुत शेड देती हैं फर्न को, जो मैंने अभी बाहर निकाले हुए हैं, और ये जितने भी पीस लिली के प्लांट्स हैं सब शेड लविंग प्लांट्स को, इंक्लूडिंग पान का पेड़, सबको बहुत सारी शेड प्रोवाइड करता है, जिससे ये सारे प्लांट्स इतने हेल्दी हैं। इनके नीचे की लीव्स मैं काटती रहती हूँ क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव हो जाता है और जगह बचती ही नहीं है। ये इसके फ्रूट है, ये स्पैथ है और आगे स्पेडेक्स कहते हैं, और ये इसका फ्रूट बन जाता है, ये एडिबल होता है
मगर हम लोग ने कभी नहीं देखा, खाया भी नहीं है कभी। और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, इसका स्पैक देखिए येलो कलर का, इतना प्रिटी है। अगर आपको और भी प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।